नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए डालते एक नजर ललितपुर जिले की प्रमुख एवं खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के इस फटाफट बुलेटिन में। जब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। ललितपुर जिले के बासी स्थित सुदर्शन डिग्री कॉलेज में आज 9वां स्थापना दिवस और वार्षिकोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। जैसा कि आप सभी को बताते चलें कि ललितपुर जिले के कस्बा बासी स्थित सुदर्शन डिग्री कॉलेज का 9वां स्थापना दिवस और वार्षिकोत्सव कार्यक्रम हुआ संपन्न, और साथ ही कृषि विज्ञान की प्रयोगशाला का लोकार्पण कार्यक्रम भी संपन्न हुआ, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन, विशिष्ट अतिथि सदर विधायक रामरतन कुशवाहा, विधान परिषद सदस्य रमा आरती निरंजन झांसी जालौन ललितपुर, और भाजपा जिलाध्यक्ष राजकुमार जैन, पूर्व प्राचार्य नेहरू महाविद्यालय और डॉक्टर आर एन यादव, महाविद्यालय की प्रबंधक श्रीमती उमा यादव, प्राचार्य डॉक्टर मनजीत सिंह आदि ने माँ सरस्वती जी का माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात महाविद्यालय की छात्राओं ने सरस्वती वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत किया। संस्थापक आर एन यादव और महाविद्यालय प्रचार ने सभी अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एकल गीत, सामूहिक गीत, एकल नृत्य, सामूहिक नृत्य, एकांकी की मनमोहक प्रस्तुतियां बच्चों ने प्रस्तुत की। कार्यक्रम में जय हो द्वारकाधीश गजेंद्र यादव के एकल नृत्य ने सभी दर्शकों का मन मोह लिया, और महिला सशक्तिकरण ड्रामा में नेहा आराधना रोहिणी ग्रुप ने महिलाओं को समाज में सशक्त होने का संदेश दिया। मुख्य अतिथि आरती निरंजन ने अपने वक्तव्य में कहा कि आज बच्चों को शिक्षा के साथ साथ सामाजिक ज्ञान भी बहुत आवश्यक है। बालिकाएं ऐसे संसाधनों से उच्च शिक्षा हासिल कर अपने माता पिता के साथ साथ अपने जिले का भी नाम रोशन करें। प्रदीप जैन आदित्य पूर्व केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश ने सभी बच्चों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की उपलब्धियों को बताकर उसके प्रति जागरूक किया। मनमोहक प्रस्तुतियों पर सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी। सदर विधायक श्री रामरतन कुशवाहा ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत रोड सेफ्टी ड्रामा से सड़क सुरक्षा नियमों का सभी को पालन करने का आग्रह किया। साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आत्मनिर्भर भारत आदि उपलब्धियों को बताया, जिससे शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत छात्र छात्राओं को रोजगार प्राप्त हो सके। तत्पश्चात सभी अतिथियों ने कृषि विज्ञान प्रयोगशालाओं का लोकार्पण किया। अंत में सभी अतिथियों का सम्मान स्मृति चिन्ह प्रदान कर महाविद्यालय संस्थापक आर एन यादव और प्राचार्य ने किया। महाविद्यालय के समस्त स्टाफ ने कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। वंदे मातरम राष्ट्रगीत के उपरांत कार्यक्रम का समापन हुआ।